हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ टू बाय वाज में आप सबको एक बार फिर वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये एक नॉर्मल जो है वो डीसी मोटर थी, फैन मोटर, और इसको मैंने एक जनरेटर में कन्वर्ट किया है। अब इसको मैंने किस तरीके से बनाया और इसकी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या डीसी मोटर जो है वो हम एफिशिएंटली जनरेटर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, इन सब की डिटेल आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगी। और हम लोग ये भी सीख सकते हैं इस वीडियो में कि एक डीसी मोटर को किस तरीके से हम जनरेटर बना सकते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। चलें फर्दर टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक मोटर को किस तरीके से हम जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये दो मोटर्स हैं। ये वो मोटर है जिसको मैंने मॉडिफाई कर लिया है एज अ जनरेटर, और ये ओरिजिनल फॉर्म में मोटर है। अच्छा, लोड जो हमारे पास है ये एक 12 वोल्ट का डीसी बल्ब है, 12 वोल्ट का, और इसकी जो पावर है वो 18 वॉट्स इसकी पावर है। ये आप देख सकते हैं, इसकी 18 वॉट्स की पावर है। पहले मैं इसको अपने जो जनरेटर मैं बनाया है उससे मैं इसको चलाऊंगा। मैं इसकी शाफ्ट को घुमाता हूँ, हाथ से स्पिन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। 18 वॉट का बल्ब है, 12 वोल्ट का, और इस शाफ्ट को हाथ से घुमाने पे ये ग्लो कर रहा है। अब मैं जो ओरिजिनल ये इसकी जो मोटर है जनरेटर बनाने से पहले, मैं उसको कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि वो इसको ग्लो करती है कि नहीं। ये वाली जो है वो ओरिजिनल मोटर है। इस ओरिजिनल मोटर को मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी शाफ्ट को घुमाऊंगा और मैं जितनी मुझसे मैक्सिमम स्पीड घूम सकती है मैं इसको घुमा रहा हूँ, बट ये कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है इससे। और दोनों तरफ इसको मैं घुमा के देखता हूँ, दोनों तरफ मैं इसको घुमा रहा हूँ बट ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ये ओरिजिनल कंडीशन है, इसका मतलब ये कि ओरिजिनल कंडीशन में जो मोटर होती है इसको हम एज अ जनरेटर यूज़ नहीं कर सकते, वो इस 12 वोल्ट के बल्ब को नहीं चला रही। फर्दर इसको मैं डिफाइन करने से पहले एक चीज़ आप लोग को और दिखाना चाहता हूँ कि ये कितने कितने आरपीएम पे जो है ये 12 वोल्ट दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरिजिनल हालत में कितने आरपीएम पे 12 वोल्ट दे रही है, और या यूं कह लें कि 12 वोल्ट पे ये कितने आरपीएम दे रही है, और जब मैंने इसको जनरेटर में कन्वर्ट किया है तो फिर ये 12 वोल्ट पे कितने आरपीएम दे रही है, क्योंकि जनरेटर के लिए आरपीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इस मोटर को मैंने वाइस में लगा लिया है। ये वो मोटर है जो ओरिजिनल कंडीशन वाली है, और ये वाली जो है वो जनरेटर वाली है, इसको मैंने ऑल्टर किया है। इनकी पहचान मैंने ये रखी है कि जनरेटर वाली की शाफ्ट जो है वो मैंने छोटी कर दी है, इसकी शाफ्ट छोटी है और ओरिजिनल वाली की शाफ्ट बड़ी है। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है केबल के थ्रू। यहाँ से मैं बैटरी से इसको पावर दूंगा। ये टैकोमीटर है जो उसके आरपीएम बताएगा कि मोटर की आरपीएम 12 वोल्ट पे कितने मिलने हैं। सबसे पहले मैं ओरिजिनल मोटर के आरपीएम चेक करूँगा 12 वोल्ट पे, उसके बाद जो है मैं जनरेटर वाली मोटर के आरपीएम चेक करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको पावर दे देता हूँ बैटरी से। टैकोमीटर के जरिए इसके आरपीएम मालूम कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं 2500 के करीब आरपीएम बता रही है। हाथ को मैं एक जगह स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तकरीबन जो है वो 2500 के करीब आरपीएम बता रही है। हाथ हिल जाते हैं तो आरपीएम चेंज हो जाते हैं। ये एग्जैक्टली 2500 के करीब आरपीएम बता रहा है। तो ये इसके आरपीएम 2500 आ रहे हैं, और जो बलिनो मोटर के ओरिजिनल जो आरपीएम इसके बताए जाते हैं स्पेसिफिकेशन में, वो 2600 आरपीएम होते हैं। तो ओरिजिनल हालत में ये 2500 आरपीएम दे रही है। अब मैं इसको निकाल के इसकी जगह ये अपनी जनरेटर वाली मोटर लगाता हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने जनरेटर वाली मोटर कनेक्ट कर ली है। अब मैं इसके आरपीएम चेक करता हूँ 12 वोल्ट पावर दे के, और ये आप आवाज़ से भी सुन सकते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत कम है और बहुत स्लो चल रही है इस ओरिजिनल के मुकाबले में। यहाँ से मैं इसके आपको मीटर से, टैकोमीटर से आरपीएम बता देता हूँ। ये तकरीबन ये 1100-1200 के करीब आरपीएम दे रही है ये।
हाथ ज़रा हिल जाता है तो ये टैकोमीटर हिल जाता है, इस वजह से आरपीएम जो है वो रीडिंग डिफरेंट हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ स्टिल करने की। ये एग्जैक्टली रीडिंग आ रही है 1200 के करीब। तो इसको जो मैंने रिवाइंड किया है, इससे जो है इसकी 2600 से जो इसकी स्पीड थी आरपीएम, 2600 से रिड्यूस हो गई है, 1200 पे आ गई है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये एक लो आरपीएम जो है वो जनरेटर बन गया है। यही वजह है कि इसको जब मैं हाथ से घुमा रहा हूँ तो बल्ब नहीं जल रहा था, और जब मैं इसको हाथ से घुमा रहा हूँ तो हमारा बल्ब जल रहा था। अब मैं इसको मोटर्स को दोनों को ओपन करता हूँ, इनकी वाइंडिंग डिटेल्स बताता हूँ मैंने किस तरह इसको रिवाइंड किया है, किस गेज से किया है, कितने टर्न दिए हैं जिसकी वजह से इसके आरपीएम कम हुए हैं और ये जनरेटर के तौर पे काम कर रही है। अच्छा, अब इन मोटर्स को खोलने की बारी है। अब मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगा मैंने क्या मॉडिफिकेशन की है। यहाँ पे मैंने याद दिलाने के लिए मार्क कर दिया है, ये जनरेटर है और ये ओरिजिनल मोटर है। तो मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके क्लिप्स ये हुए होते हैं, इनको जस्ट खोल के इसको इजीली हम प्लेट को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जी दोनों के आर्मेचर हैं कुछ इस तरीके से। ये क्लोज करके आप लोगों को दिखा दूं, ये वो है जो मैंने रीवाइंड किया है और ये वो है जो ओरिजिनल हालत में है। इसमें मेजर डिफरेंस आप ये देख सकते हैं कि इसमें वाइंडिंग टर्न ज़्यादा हैं और इसमें वाइंडिंग टर्न्स कम हैं। इसकी जो वाइंडिंग है वो 20 टर्न्स हैं इसमें, और इसमें जो है वो 45 टर्न्स हैं। इसमें जो वायर गेज यूज़ हुआ है वो 22 गेज का हुआ है, 22 गेज वायर है, और इसमें जो वायर गेज यूज़ हुआ है वो 26 वायर गेज यूज़ हुआ है कॉपर का। इसकी वजह से जो है वो मेजर डिफरेंस आया है आरपीएम में। और ये जो मोटर है ये एज अ जनरेटर काम कर रही है रिवाइंड होने के बाद। ये तो इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब मैं जो अपनी ये ओरिजिनल मोटर है इसको भी मैं रिवाइंड करूंगा। इसको आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ, आसान तरीका इसको क्या है रिवाइंड करने का। इसकी मैं वाइंडिंग उतारूंगा, उतारने का तरीका आपको बताता हूँ, आपने याद रखना है कैसे इसको उतारना है और फिर इसको जो रिवाइंड करना है वो किस पैटर्न पे करना है। ये जो इसके यहाँ पे लॉक्स दिए हुए हैं, ये जो है वो बहुत आसानी से इसको बहुत आराम से इसको खोलना है, वरना ये टूट जाते हैं, कॉपर के होते हैं ये। अच्छा, इसके लिए जो वो है एक पेपर कटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेपर कटर के साथ हैमर, बिल्कुल हल्के से चोट मारनी है। इसका तरीका ये है कि जो उसकी धार है पेपर कटर की, इसको जो है इस पे जो है ना इसके जो जहाँ से इसका जॉइंट खुलेगा ये वहाँ पे रखनी है। वहाँ पे रखने के बाद हल्के से इसको टैप करना है, ज़ोर से नहीं, बिल्कुल हल्के से करना है, तो ये पेपर कटर खुद ही अंदर चले जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से लूज़ हो गया, और किसी भी जो है वो टेस्टर की मदद से मैं इसको जो है ना मज़ीद खोल लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं ये इज़िली खुल गया है। ये इसी तरीके से मैं इसके जो है वो बाकी भी खोल लूँगा सारे। अच्छा जी, ये सारे पॉइंट्स इसके खोल लिए हैं ये टॉप के। अब ये वाइंडिंग जो है वो इजीली जो है वो बाहर आ सकती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि ये दो वाइंडिंग जो हैं ये बिल्कुल टॉप पर आ रही हैं। एक यहाँ पे ये वाइंडिंग टॉप पे आ रही है और यहाँ पे ये वाइंडिंग टॉप पे आ रही है। तो जो टॉप की वाइंडिंग होगी वहीं से आपको सिरा मिल जाएगा इसका। तो इसका जो है मुझे ये सिरा मिल रहा है, यहाँ पे ये सिरा इसका मिल रहा है मुझे। तो इस सिरे को जो है वो मैं निकाल लूँगा। ये ऐसे ही निकल जाएगा, ये आप देख सकते हैं ये सिरा निकल गया। ये यहाँ से वाइंडिंग हमारी अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसके टर्न्स को गिनना है। ये इस पैटर्न से खुलेगी तो इस पैटर्न से ये वाइंड होगी, ये याद रखना है। इस पैटर्न से खुलेगी तो ये इस पैटर्न से वाइंड होगी, तो हमें इस पैटर्न पर वाइंड करना होगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ और टर्न्स इसके मैं काउंट करता रहूँगा। तो ये टोटल जो है वो 20 काउंट्स हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो इसका दूसरे जो है वो इसके लग पे आ गया है ये। तो मैं यहाँ से इसको ऊपर से निकाल लूँगा। तो ये दो वाइंडिंग एक साथ पहले उतरेंगी,
शुरू में इसको समझने की ज़रूरत है आपको, बाद में फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ इस तरीके से बिल्कुल अनवाइंड हो गया है ये। अब वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जो इसके वाइंडिंग डिटेल्स हैं वो आप लोगों को बता दूं। ये जो है वो 26 गेज वायर है। इसको टोटल जो हमारा वायर लगेगा वो 120 ग्राम्स लगेगा, और वायर्स को हमें दो जगह पे लेना है, 60 ग्राम एक जगह लेना है और 60 ग्राम एक जगह लेना है। दो पैरेलल में कॉइल्स जो है वो इसमें वाइंड होंगे। अच्छा, ये तो हो गई वायर की डिटेल। अब जो है वो वाइंडिंग किस तरीके से करनी है मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि जिस पैटर्न में आपने इसको अनवाइंड किया है आप उसको याद कर लें, या उसकी वीडियो बना लें, और फिर उसको जो है वो उसी तरीके से वाइंड करना है आपने। दूसरा जो इसकी थ्योरी है समझने वाली वो ये है कि इस सबसे पहले हमें इसके पोल्स काउंट करने हैं। ये इसके पोल्स हैं, ये सारे इसके पोल्स हैं। जितने पोल्स यहाँ पे होंगे उतने ही पोल्स यहाँ पे होंगे, इसके कनेक्शंस में इस जगह भी उतने ही पोल्स होंगे। तो ये पोल्स इसके काउंट कर लेने, टोटल इसमें 12 पोल्स हैं। तो ये जो इसका जो अंदर मोटर का जो हाउसिंग जो है, इसमें दो मैग्नेट्स हैं। दो मैग्नेट्स का मतलब ये है कि एक मैग्नेट के लिए एक वाइंडिंग है इसकी। तो टोटल इसमें 12 कॉइल्स जो है वो वाइंड होंगे, और इस पैटर्न पे होंगे कि एक कॉइल जो होगा वो पूरे आर्मेचर का जो है वो आधा हिस्सा को कवर करेगा। तो अगर इसमें 12 पोल है तो 12 का मतलब 12 का हाफ जो है वो 6 पोल्स हो जाएंगे। तो 6 पोल्स को जो है वो एक कॉइल कवर करेगा। उसका तरीक़ेकार क्या है, अगर मैं यहाँ से इस जगह से मैं कॉइल को स्टार्ट करता हूँ, तो इसके अपोजिट जो जहाँ पे छठा नंबर आ रहा होगा वहाँ पे ये कॉइल का लूप बनेगा। यानी कि बीच में से चार मैं छोड़ूंगा स्लॉट्स, उसके बाद जो है वो, यानी कि पहली स्लॉट ये हो गई, फर्स्ट स्लॉट ये हो गई, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये स्लॉट पे जो है वो ये मेरा आके लूप बनेगा। यानी कि बीच में से चार स्लॉटें निकल जाएंगी और पहली और छठी पे हमारा ये लूप बनेगा। तो ये आपको इसका वायर का वो मैंने समझा दिया। अब मैं इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने पहली रील ले लेनी है। पहली रील लेके इसका जो वायर जहाँ से आपने स्टार्ट करना है उसको आपने उसकी इनेमल उतार लेनी है, बिल्कुल छील लेना है उसको। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल छील लिया है इसको अंदर से, इसका कॉपर वायर नुमाया हो गया है कॉपर। अब किसी भी एक पॉइंट पे मैं इसको रख लूँगा। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें इसको इस पॉइंट पे रख के इसको यहाँ से मैं एक टर्न दे देता हूँ ताकि ये यहाँ पे रुक जाए, और यहाँ से जिस पॉइंट पे मैंने इसको रखा है इसके सामने जो स्लॉट होगी उसके जो है वो दो स्लॉट बाद इसको वहाँ पे वाइंड करना है। यानी कि इसके सामने ये स्लॉट आ रही है, इसको भी इसके बाद की दो स्लॉटें छोड़ के, एक दो छोड़ के मैं यहाँ से इसको वाइंड करूँगा, यहाँ से वाइंड करूँगा, और टोटल जो है वो चार स्लॉटें छोड़ के दूसरा मेरा लूप बनेगा। तो यहाँ पे ये स्लॉट आ गई है, इसके बाद एक दो तीन चार स्लॉटें छोड़ के दूसरा ये आ गया। तो ये मेरा लूप बन गया है। टोटल मैं इसमें 45 टर्न्स करूँगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जो है मकसद आपको पूरी वाइंडिंग दिखाना नहीं है, यहाँ पे मकसद ये है आपको इसका प्रोसीजर समझाना है। तो मैं यहाँ पे पूरी वाइंडिंग नहीं करूँगा, जस्ट आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। इस तरीके से जो है वो एक लूप बनेगा 45 टर्न्स का। अब जब ये पहला लूप बन जाएगा 45 टर्न्स का, तो इसी के जहाँ से मैंने वाइंडिंग स्टार्ट की थी इस पॉइंट से, इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा बिल्कुल इसके नेक्स्ट वाला, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरी 45 टर्न्स हो गई, तो इसके 45 के बाद मैं यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट अपने लूप को स्टार्ट करूँगा यहाँ से। तो इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाले पे मैं इसको लगा दूँगा, और यहाँ से फिर मैं इसकी इनेमल उतारूँगा ताकि ये इसको कनेक्शन मिल जाए। तो यहाँ से मैं इस तरीके से प्लास की मदद से इनेमल उतार के अच्छे तरीके से, और यहाँ पे इसको लगा के फिर इसके नेक्स्ट से फिर मैं इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करूँगा। यानी कि यहाँ पे इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा और इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा, और इस तरीके से टोटल मैं पूरी जो है वो 45 टर्न्स करूँगा। जब यहाँ पे ये दूसरा कॉइल भी 45 टर्न्स इसकी हो जाएंगी, तो मैं इसको यहाँ पे रोक के फिर मैं यहाँ से अपनी दूसरी रील उठाऊँगा। अच्छा, दूसरी रील उठाने के बाद दूसरी रील का के वायर को भी इसी तरीके से मैं पूरा शुरू स्टार्टिंग से इनेमल को उसकी उतार के
जहाँ से मैंने फर्स्ट रील को स्टार्ट किया था, जहाँ से मैंने फर्स्ट रील को स्टार्ट किया था, याद रखिएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट वाला लेना है मुझे पॉइंट। ये जो मैंने स्टार्ट की है फर्स्ट रील, इसका बिल्कुल अपोजिट वाला पॉइंट मैंने लेना है यहाँ पे। और इसका जो अपोजिट पॉइंट बन रहा है वो मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट पे मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो ये दूसरी रील की वाइंडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसकी 45 टर्न्स पूरी करूँगा। 45 टर्न्स जब यहाँ पे पूरी हो जाएंगी तो फिर इसके यहाँ पे नेक्स्ट उस पर लेके जाऊँगा, नेक्स्ट स्लॉट पे। नेक्स्ट स्लॉट पे ले जाने के बाद यहाँ पे मैं इसकी इनेमल उतारूँगा। यहाँ से सारी इनेमल उतारने के बाद ये यहाँ पे इस पॉइंट पे दोबारा लगा दूंगा। इनेमल उतारने का मकसद ये होता है कि कॉपर वायर को जो है वो इसके साथ कनेक्शन मिल जाए, ये कॉपर का जो पॉइंट है। उसके बाद फिर इसकी दूसरी टर्न चलेगी 45 टर्न्स की। जब इसकी दूसरी टर्न ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे 45 टर्न्स की, तो फिर मैं दोबारा अपनी पहली रील की तरफ आ जाऊँगा। जो मेरी इस दूसरी रील को हटा के फिर मैं पहली रील की तरफ आ जाऊँगा। फिर सेम प्रोसीजर जो है वो इस तरीके से अप्लाई होगा और टोटल जो है वो इसी तरीके से जो है वो 12 कॉइल जो है वो वाइंड हो जाएंगे। अच्छा, 12 कॉइल जब वाइंड हो जाएंगे तो ये जो है वो कुछ इस फॉर्म में वाइंडिंग आ जाएगी, जो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पर मैंने करी है। और सबके जो है वो यहाँ पे मेक श्योर आप करिएगा कि यहाँ पे कनेक्शन इनेमल उतार के आप कर दें यहाँ पे। अच्छा, वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें कि ये सारे पॉइंट्स जो है वो कनेक्टेड हों एक दूसरे के साथ। उसका तरीका ये है कि किसी भी एक पॉइंट पे आप प्रोब को रख लें, अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लेके एक प्रोब जो है वो किसी भी एक पॉइंट पे रख के दूसरी हर पॉइंट पे हम चेक करेंगे हमें बीप मिलनी चाहिए। जो आप सुन सकते हैं बीप मिल रही है हमें। टोटल सारे जितने भी 12 पॉइंट्स हैं उन पे चेक करना है। तो टोटल 12 पॉइंट्स पे हमें बीप मिल रही है, इसका मतलब है हर कॉइल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और लास्ट में जो है वो हमें ये चीज़ भी चेक करनी है कि कहीं ये बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं हो रही वाइंडिंग। तो फिर इसको किसी भी एक पॉइंट पे रख के हम इसको शाफ्ट पे लगा के देखेंगे, शाफ्ट पे या इस बॉडी पे लगा के देखेंगे कहीं यहाँ से शॉर्ट तो नहीं कर रही। तो ये कहीं से शॉर्ट भी नहीं कर रही, तो वाइंडिंग हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। अब इसको दोबारा हाउसिंग में लगाना है इसकी। ये यहाँ से बैठ गई, ब्रशेस में आ गई है। और यहाँ से मैं अब इसको इसके हाउसिंग में लगा देता हूँ। मोटर जो है यहाँ पे बैठ गई है और यहाँ से मैं इसके लॉक बंद कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से रिवाइंड हुई है, आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के सामने कंप्लीट डिटेल वीडियो कि किस तरीके से हम एक मोटर को आसानी के साथ जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो इसमें अभी फ़िलहाल बाकी है वो इसकी पावर रेटिंग फाइंड आउट करना बाकी है। उसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें अगर टेस्टिंग करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो काफ़ी उसमें टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं इसकी डिटेल्स बता दूँ। तो ये एक कम्प्लीट डिटेल वीडियो थी। अब इस जनरेटर को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली किसी भी स्मॉल विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट में एज अ जनरेटर यूज़ हो सकती है मोटर, या स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट में एक जनरेटर के तौर पे ये मोटर यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म का प्राइम मूवर इसमें लगा के जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है वहाँ पे जनरेटर यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की हाउ टू DIY और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।